सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, जय हिंद। कैसे हो सभी लोग? तो भाई यार, आज भी बात करेंगे अपने इंडियन रेलवे सिम्युलेटर के एक और अपकमिंग अपडेट के बारे में। और यार, यहाँ पर एक और फीचर अपना टीम हाइकर्स अपना ऐड करने जा रही है अपने इस गेम में, तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे गेम की रिलीजिंग डेट के बारे में, कब अपना जो गेम है वो दोबारा आ सकता है। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस यार, कुछ नहीं करना, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर देना इस वीडियो को, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। और भाई, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिस ना कर सको। तो फटाफट से आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस यार, जयपुर टू अजमेर रूट और यहाँ पर हमसफर और राजधानी कोच के अलावा यहाँ पर हमें एक और फीचर देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई अपना रियल अनाउंसमेंट। तो रियल अनाउंसमेंट का फीचर इस बार हमें टीम हाइकर्स अपने इंडियन रेलवे सिम्युलेटर में देने वाली है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अपना ये क्या है अपना रियल अनाउंसमेंट। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ कि अपने रियल अनाउंसमेंट में क्या होने वाला है। तो गाइस यार, यहाँ पर वीडियो आपने देखी ली होगी, आपको समझ में आए होगी, और मैं बाकी नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको रियल अनाउंसमेंट सुनाई गई थी, और यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो ट्रेन है वो स्टेशन पर एंटर करने से पहले वहाँ पर उस स्टेशन पर उस ट्रेन का अनाउंसमेंट होगा, एज सेम एज ITS, जैसा कि आपको ITS में देखने को मिलता है। अगर आप अपने स्टेशन पर पहले अपना कैमरा एंगल सेलेक्ट कर लेते हो तो आपकी जो ट्रेन है जब वो आने वाली होती है तो उसका भी अनाउंसमेंट सुनाई देता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर अपने इंडियन रेलवे सिम्युलेटर में करने की कोशिश करी गई है। तो इस बार आपको ये वाला फीचर अपने दोनों अपडेट रूट और कोचेज के साथ देखने को मिलने वाला है। तो यार, अपडेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रियल अनाउंसमेंट काफी अच्छा एक फीचर रहता है, अपने गेम को और अट्रैक्टिव बनाता है, और जो है खेलने में भी काफी इंटरेस्ट आता है। अगर आपकी अनाउंसमेंट सही होती है तो अपना जो गेम है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और शानदार होने वाला है। और यार, आगे बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया दिया था कि कर्व ट्रैक्स पर भी आपको अपना फुलेरा टू अजमेर रूट के बीच में देखने को मिलने वाले हैं, तो उसकी भी कोडिंग यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। तो इस बार आपका जो अपडेट है वो ले देखिए यार, मेगा अपडेट आने वाला है अपने इंडियन रेलवे सिम्युलेटर का। तो वो लोग अभी जिन लोगों ने अभी तक भाई अपना IRS गेम ट्राई नहीं किया, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और यार, जब मैं रिकमेंड करता हूँ तो वो चीज़ आप ज़रूर ट्राई किया करो। तो आप एक बार जाओ, IRS ज़रूर खेलो, जिन लोगों ने खेला है वो तो भाई जानते ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, ज़्यादा टाइम ना गवाते हो। तो मैंने आपको रिलीजिंग डेट तो पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पर अभी जो इसका अल्फा टेस्टर्स का अपडेट आने वाला है वो शायद आपका 15 जुलाई तक आ जाए, और 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में यहाँ पर आपको पूरा बीटा और पब्लिक अपडेट मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से तो 10 या फिर 15 अगस्त से ज़्यादा यहाँ पर आपका गेम का अपडेट जो है वो डिले नहीं होना चाहिए। 10 या 15 अगस्त तक यहाँ पर सबको बीटा को और पब्लिक को मिलाकर आपका जो अपडेट है वो आ जाएगा, और मेरे हिसाब से इस बार का मेगा अपडेट होने वाला है, गेम आपका पूरी तरीके से चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो आप एक बार इसको जरूर अपडेट करके ट्राई करना। तो बस यार, फिर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जानी चाहिए, और लाइक कर देना इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप यहाँ पर कोई भी वीडियोज ऐसी मिस ना कर सको। आगे और अपडेट्स आने वाले हैं ITS के भी, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।